आईफोन 15 ने तोड़ा बिक्री का रिकॉर्ड, आईफोन 14 की तुलना में 100% वृद्धि दर्ज। दिल्ली, बीजेपी नेता करण बांका ने पीएसओ के पिस्टल से खुद को मारी गोली, हुई मौत, जांच में जुटी पुलिस। ईवीएम सोर्स कोड ऑडिट, इसे सार्वजनिक डोमेन में रखने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। कर्नाटक, तमिलनाडु को कावेरी का पानी देने के खिलाफ राज्य भर में प्रदर्शन, धरने पर बैठे किसान। महाराष्ट्र, नागपुर में भारी बारिश से डूबा शहर, लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ तैनात। लद्दाख, सेना ने फिर लहराया परचम, गनस टीम ने सफलतापूर्वक पूरी की माउंट कांगयात से द्वितीय की चढ़ाई। मणिपुर, हिंसा के बीच सीएम बीरेन सिंह का ऐलान, आज से जनता के लिए इंटरनेट सेवाएं शुरू। तमिलनाडु, सनातन पर बोलने के लिए एक बच्चे को बेवजह निशाना बनाया जा रहा है, उदयनिधि के बचाव में उतरे कमल हासन। ईएसी, उपभोक्ता उत्पादों के लेबल में गड़बड़ी पर खत्म हो जेल की सजा, पीएम की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने दिया सुझाव। असम के सीएम हेमंत की पत्नी ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के खिलाफ 10 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के समन को चुनौती देते हुए झारखंड हाई कोर्ट का रुख किया। मानहानि मामले में अहमदाबाद कोर्ट ने उपमुख्यमंत्री तेजस्वी को भेजा दूसरा समन। दानिश अली के समर्थन में विपक्ष का प्रदर्शन, रमेश बिधूरी पर दंडात्मक कार्रवाई की मांग। इस घटना के बाद लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर बिधूरी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की मांग की गई है। इंस्टाग्राम पर लाइव सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था शख्स, दिल्ली पुलिस ने बचाई जान।